अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। जी आज मैं धो रही थी कपड़े, हफ्ते का दिन था, धोती तो मैं जुम्मे को हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज लगा लेते हैं, और कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी मैं धो रही थी कपड़े। ये भी पड़े हुए हैं कपड़े धोने वाले, धो के तो फिर हम बनाएंगे सालन। बैंगन बनाने का आज दिल है, देखो कैसे बनाते हैं, फ्राई बनाते हैं या बैंगन के पकौड़े बनाते हैं। जी यहाँ पे हमने कपड़े वगैरह धो लिए थे और दोपहर का टाइम था, मैंने तो पहले बैंगनों का बनाना था सालन, फिर मैं थक गई थी तो मैंने कहा चलो इसके जो है ना हम बेसन लगा के फ्राई कर लेते हैं और पकोड़े से बना लेते हैं, और बहुत ही मज़ेदार और अच्छे बने। इनको मैंने काट के बेसन को पहले बना लिया था, फिर कुछ थोड़े से जो है ना वो अंदर से ख़राब भी निकल रहे थे, कीड़े वगैरह थे, तो मैंने उनको काट दिया था। दो तीन मेरे ऐसे ही बैंगन जो हैं ज़ाया हो गए, तो मैंने एक बैंगन रखा हुआ है, दो बैंगन रखे हुए हैं जिसका मैं बनाऊँगी भरथा, और भरथा भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। और यहाँ पर मैंने इसको देख के चेक करके तो मैंने इसका बेसन में डिप करके रख दिया था, और आलू के भी मैंने चिप्स बनाए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। और ये जो हमारे बन गए थे बेसन के पकोड़े चिप्स वगैरह, और बहुत ही आधे तो मैंने खा लिए थे रोटी के साथ, बाद में याद आया कि वीडियो भी बनानी है, और बहुत ही मज़े के बने थे। ऊपर मैंने ऊपर लगा दिया था चाट मसाला, थोड़ा सा दूर दिया था। और यहाँ पे शाम का टाइम था, और शाम को मैंने तो रोटी बनाई, साथ में थोड़ा सा मैंने चिकन का सालन बनाया, बस थोड़ा सा ही बनाया था मैंने, और मेरी बेटी ने खाया, और बेटे ने तो खाली बोटियाँ ही ली, और वो उसने बोटियाँ खाई, और रोटियाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी थी, ताज़ी ताज़ी थी, और सालन भी ताज़ा था, और हमने खा लिया। और यहाँ पे मेरी बेटी लेके आई मेकअप का सामान, और ये है बेस फाउंडेशन है, और मिस रोज़ की है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, और जब भी हम मेकअप करते हैं बहुत ही अच्छा होता है इसके साथ, और फाउंडेशन है, और साथ में जी ये मेरी बेटी ने कराची से ली थी, और बहुत ही अच्छी है, अफोर्डेबल है ये, और इतनी महंगी भी नहीं है। और ये था मिस रोज़ का कंसीलर, कंसीलर भी बहुत ही अच्छा है। और ये मेकअप दिखाने का मकसद ये था कि हमने कल थोड़ा सा करना है था मेकअप, एतवार के एतवार हम मेकअप करते हैं रात के टाइम। और ये लाइनर भी था और मस्कारा भी था, ये लाइनर है, लाइनर है, और साथ में है इसके मस्कारा, ये है मस्कारा जो है बोब का है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। जी मेकअप के हम बहुत ही शौकीन हैं, और हमने काफ़ी सारा मेकअप जो है ना वो इकट्ठा किया हुआ है, और थोड़ा थोड़ा करके लिया है। और ये जो है मेकअप फिक्सर है J.Dot का, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ जो है मेकअप जो है लॉक हो जाता है, जी मेकअप फिक्स हो जाता है, और माशाल्लाह अच्छा स्प्रे है, और क्या कहते हैं कि मेकअप जो है काफ़ी सारा है। और ये है था ब्लशन, और ये भी ब्लशन भी बहुत ही अच्छा है, और मेरी बेटी जो है माशाल्लाह बहुत प्यारा मेकअप और ख़ूबसूरत मेकअप करती है, उसने भी बस यूट्यूब से देख देख के सीख लिया है, और बहुत सॉफ्ट मेकअप करती है, बहुत ही खूबसूरत नीट मेकअप होता है उसका, उसको बहुत शौक़ है मेकअप जो है करने का, और उसने काफ़ी सारी चीज़ें जमा की हुई हैं, और फिर एतवार के एतवार जो है ना वो मेरा रात को लाजमी मेकअप करती है, और इससे उसका जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है मेकअप में। और ये था टिंट, और टिंट भी जो है ना वो ब्लशन में यूज़ होता है, यूज़ करते हैं। और यहाँ पे थी लिपस्टिक, ये भी बहुत अच्छा कलर था लिपस्टिक का माशाल्लाह से, और J.Dot से लिया ये भी लिपस्टिक, तो लिपस्टिक भी माशाल्लाह से बहुत सारी ढेर सारी इकट्ठी की हैं, नेल पेंट भी काफ़ी सारे इकट्ठे किए हुए हैं, और इसका कलर बहुत प्यारा, ये रेड रेड कलर आ रहा है, लेकिन इसका जो असल कलर है वो मैरून कलर था, और बहुत ही खूबसूरत कलर है माशाल्लाह से। और ये थी आई शेडो पैलेट, और ये हमने अपने शहर से ही ली है, ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कलर हैं, इसमें रंग बिरंगे कलर हैं और मुख्तलिफ़ शेड्स हैं, और इसमें जो है ग्लिटर भी है और शिमर कलर भी हैं, और बहुत ही प्यारे एक कलर के जो हैं सब कलर हैं, मैट कलर भी हैं और ख़ूबसूरत कलर हैं। ये ग्लिटर मुझे बहुत पसंद आया, और शिमरी कलर जो है ना मुझे बहुत पसंद आया। मुझे मेकअप में ज़्यादा जो पसंद है वो हाइलाइटर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ मेकअप हो तो चाहे ना हो हाइलाइटर लगा हो तो अच्छा लगता है, या ब्लशन थोड़ा हल्का हल्का सा हो
तो इसमें इतने काफ़ी सारे शेर थे और मेरा छोटा बेटा जो है इसको हाथ लगा रहा था और कह रहा था कि मैंने अपना मेकअप करना है। उसे भी बड़ा शौक है छोटे बेटे को मेकअप करने का। वो सारे हाथ लगा लगा के चेक कर रहा था और अपने जो फेस पे जो है ना अप्लाई कर रहा था। और ये जो थी बड़ी किट थी, पैलेट थी, और इसमें भी माशाल्लाह बहुत प्यारे कलर थे और शिमरी कलर थे। ये भी मैंने अपने शहर से बाज़ार से लेके आई थी। और इसकी जो थी दो तीन किट वगैरह मैंने देखी थी, उसकी डेट जो है ना वो जल्दी एक्सपायर हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं मैंने ये वाली लेनी है। इसकी डेट जो है ना अभी 2-3 साल है, इंशाल्लाह तक 2-3 साल तक हम इसको ख़त्म कर लेंगे। तो इसमें भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे कलर थे। और तो इसके साथ ये था हमारा सारा मेकअप, और इसी के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। और कल हम आप माँ मेकअप करके तो आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे व्लॉग पसंद आते होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग का करते हैं अल्लाह हाफिज़।